ACL इंटरनल ब्रेस्ट फाइबर टेप सर्जरी के तीन बेनिफिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों, और ये कन्वेंशनल सर्जरी से क्यों ज्यादा बेहतर या बेटर रिजल्ट देती है इस पर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, आप जितने भी सवाल हैं नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और हम उसका पर्सनली जवाब। पहले समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ACL होता क्या है, उसकी सर्जरी कैसे होती है और हम किस किस तरह से इसकी सर्जरी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका ऊपर वाली हड्डी फीमर, ये नीचे वाली हड्डी टीबिया, ये पटेला, तीन बोन्स रहती है। तीन बोन्स के ऊपर हमारे कार्टिलेज की कवरिंग रहती है। कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में हम आपके दो हैमस्ट्रिंग टेंडन लेते हैं दोस्तों, दोनों टेंडन्स को हम डबल कर देते हैं और ऊपर और नीचे होल्स बना के, फीमर में होल बना के, टीबिया में थ्रू एंड थ्रू होल बना के आपका टेंडन डाल दिया जाता है। अब मुझे उसे फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए ऊपर लगता है बटन और नीचे लगते हैं स्क्रू। अब बटन इस तरह के होते हैं, इस तरह के बटन होते हैं, बटन ऊपर लग जाता है और स्क्रू लग जाता है नीचे, इस तरह के स्क्रू, ये स्क्रू नीचे लगता है। ये हमारी कन्वेंशनल सर्जरी कंप्लीट आती है। ध्यान देने की बात है कि बटन और लिगामेंट के बीच में जो नया टेंडन है उसके बीच में जो चीज है उसका नाम है फाइबर वायर। तो वो फाइबर वायर मेटेरियल का बना रहता है, धागा होता है जो आपके टेंडन को बटन से जोड़। अब क्योंकि आपका जो हैमस्ट्रिंग टेंडन है जिससे हमने ACL बनाया है वो पहले हमने बाहर निकाला और फिर वापस डाला है, तो उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है। जब उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है, अभी वो हड्डी से चिपका नहीं है दोस्तों, हड्डी से चिपकने में उसको कम से कम 3 महीने लगेंगे, तब तक उसमें न्यूट्रिशन नहीं जाता है। जब आपके नए टेंडन में न्यूट्रिशन नहीं जाता है तो वो वीक होता रहता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। 3-4 महीने बाद वो चिपकना चालू करता है बोन से, उसके बाद उसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करती है और फिर उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो कम से कम 6-7 महीने तक आपका जो नया ACL है दोस्तों वो बहुत कमजोर रहता है। जब वो इतना कमजोर रहता है तो ये सर्जरी के बाद बहुत ध्यान से रखना पड़ता है रिहैबिलिटेशन, मतलब आपको पहले वॉकर के साथ चलना है 2-3 वीक। अगर आप वॉकर से नहीं चलेंगे तो ढीले पड़ जाएंगे। आपको धीरे धीरे नहीं बैंड करना है, पहले 10 डिग्री 20 डिग्री, कम से कम 2.5-3 महीने लगेंगे आपको कंप्लीट नी बैंडिंग। अगर आपकी नी बैंडिंग आपने जल्दी कर दी तो ढीला पड़ जाएगा। जॉगिंग आपको 4 महीने में चालू करनी है और बैक टू स्पोर्ट्स रनिंग कम से कम 6-9 मंथ्स। सो कंप्लीट नी बैंडिंग 3 मंथ्स में आएगी, जॉगिंग 4 मंथ में चालू होगी और वापस रनिंग और स्पोर्ट्स आपका 6-9 मंथ्स के अंदर चालू। इस बीच में जब आपका लिगामेंट कमजोर है, अगर आप फिसल गए, गिर गए, आपको झटका लग गया या आपने एकदम से पूरा वजन डाल दिया, तो आपके लिगामेंट के ढीले होने और टूटने के चांसेस हैं क्योंकि वो कमजोर है। इन्हीं सब चीजों को बचाने के लिए दोस्तों इंटरनल ब्रेस किया जाता है। सो इंटरनल ब्रेस सर्जरी में हम क्या करते हैं, ये आपका फीमर, ये टीबिया, ये पटेला, हमने आप ही के हैमस्ट्रिंग टेंडन से आपका ACL बना दिया। अब कन्वेंशनल सर्जरी में 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन यूज करने पड़ते हैं, इंटरनल ब्रेस में सिर्फ 1 हैमस्ट्रिंग टेंडन यूज करना पड़ता है। हम 1 को 4 गुना कर देते हैं, इसमें हम 2 को 2 गुना करते हैं। कन्वेंशनल सर्जरी में हम जो आपके टेंडन है उसको 2 टाइम फोल्ड करते हैं और 2 टेंडन निकालने पड़ते हैं। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में हमें आपका सिर्फ 1 टेंडन निकालना पड़ता है हैमस्ट्रिंग का, वो भी मोटा वाला सेमी टेंडन, से उसको 4 बार फोल्ड कर देते हैं। तो मुझे जो थिकनेस इंटरनल ब्रेस ऑल इन साइड सर्जरी में मिलती है वो कन्वेंशनल से कहीं ज्यादा बेटर है। पहला बेनिफिट ये हुआ कि आपका हमने 1 हैमस्ट्रिंग टेंडन सेव कर लिया, 2 टेंडन के बजाय सिर्फ 1 ही हैमस्ट्रिंग टेंडन निकालने की जरूरत है क्योंकि इसमें टेंडन वेस्टेज नहीं। ऑल इन साइड सर्जरी में हम आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन को, सेमी टेंडन को 4 बार फोल्ड करते हैं और ज्यादा मोटा थिकनेस का टेंडन मिलता है, टेंडन वेस्टेज नहीं है। पहला बेनिफिट यही आता। दूसरा बेनिफिट ये, मैंने आपका हैमस्ट्रिंग के टेंडन से ACL बना दिया, ऊपर हमें लगाएंगे बटन फिक्सेशन करने के लिए और हम नीचे भी बटन लगाएंगे। तो स्क्रू सर्जरी में जहां 1 बटन और 1 स्क्रू था, यहां पर हमने 2 बटन लगाए। बटन लगाने में दोस्तों बोन में छेद बहुत छोटा करना पड़ता है। स्क्रू के लिए आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा छेद करना पड़ता है बोन में,
बटन के लिए हम बहुत ही एडवांस फ्लिप कटर यूज करते हैं जो अंदर जाके खुल जाता है। इसके लिए बोन में बहुत ही छोटा छेद होता है। तो सेकंड बेनिफिट ये आता है इंटरनल ब्रेस सर्जरी का कि जो बोन लॉस है वो बहुत कम होता है। जब आपके बोन में छेद छोटा होता है, जब बोन लॉस ज्यादा कम होता है तो आपको पेन नहीं होता सर्जरी के बाद। पेन रिडक्शन सिग्निफिकेंटली ज्यादा मिलता है आपको ऑल इनसाइड इंटरनल ब्रेस सर्जरी में एज कम्पेयर टू द स्टिच। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आता है दोस्तों फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का। हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लगाते हैं, बटन से बटन जाती है और आपके नए लिगामेंट को जो कि अभी कमजोर है और 6 महीने तक कमजोर रहने वाला है उसको बचाती है। तो दोस्तों ये होता है नीचे वाला बटन और ये ऊपर वाला बटन। फाइबर टेप आपके नए टेंडन को जो कि अभी लिगामेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जो सिर्फ रखा हुआ है, जो कमजोर है, 6 महीने तक कमजोर रहेगा, उसको बचाती है। उसको किससे बचाती है? उसको बचाती है लंबे होने से, खींचने से, फटने से और टूटने। इसी के कारण हमारा रिहेबिलिटेशन बहुत फास्ट हो जाता है। फास्ट होने का क्या मतलब है? हम पहले दिन 100 डिग्री पैर बेंड करा देते हैं पेशेंट। 1 महीने में कंप्लीट पैर बेंडिंग आ जाती है, 1 महीने में पेशेंट जॉगिंग करने लगता है जो कि 3 से 4 महीने में था कन्वेंशनल सर्जरी। इसमें पेशेंट का रनिंग प्रोग्राम 3 मंथ्स में चालू हो जाता है जो कि 6 to 9 मंथ्स में होता है कन्वेंशनल सर्जरी। क्यों इतना जल्दी आता है? क्योंकि मुझे डर नहीं है कि मेरा जो नया लिगामेंट जो कमजोर है वो टूट जाएगा, ये फाइबर टेप उसको बचा के। ऑपरेशन के बाद कल को आप गिर जाते हैं, आपको झटका लग जाता है, आपका पैर एकदम से बैठ जाता है, पूरा वजन डाल देते हो, तो भी आपका लिगामेंट ढीला नहीं हो सकता, आपका लिगामेंट टूट नहीं सकता। इसी के लिए फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी में ग्राफ्ट लूजनिंग या उसका ढीला होना या उसका लंबा होना ये सिग्निफिकेंटली कम होता है। साथ में रिहैबिलिटेशन फास्ट होने के कारण बहुत जल्दी खिलाड़ी अपने गेम में वापस आ जाते हैं। इसी कारण उनकी जो मसल लॉस है वो बहुत कम होती है और मसल एबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है। पेन कम होना आपको श्योरिटी देता है। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस आपके इंश्योरेंस या सीट बेल्ट की तरह काम करता है कि अगर आपको कोई मिसहैप भी हो जाए, कल को आप गिर जाए ऑपरेशन के बाद 6 महीने के अंदर, या फिसल जाए या आप पूरा वजन डाले, तो भी आपका लिगामेंट टूटेगा नहीं, आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट। साथ में 3 महीने में आप आराम से एक्वेरियम जा सकते हैं। आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और उस MRI को डिटेल में स्टडी करने के बाद मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आपके लिए।